फिल्म दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा नेता किरण बेदी ने केजरीवाल को नोटिस भेजा। दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री प्रत्याशी किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल उनकी छवि नकारात्मक बना रहे हैं। किरण ने नोटिस में लिखा है कि आपने बिना पूछे किरण बेदी की फोटो का प्रयोग पोस्टर में किया है और इन पोस्टरों को दिल्ली में ऑटो के पीछे लगाया गया। उन्होंने कहा कि इनको तुरंत हटाया जाए अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके पोस्टर में किरण बेदी को अवसरवादी बताया गया है। बराक ओबामा ने मोदी को आईना दिखाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कटाक्ष। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ओबामा के भाषण का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर लगाम लगाइए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। धर्म के नाम पर देश को बांटना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि ओबामा ने मोदी को आईना दिखा दिया है। दिग्विजय ने सवाल किया कि क्या मोदी बराक की सलाह पर विश्व हिंदू परिषद के अपने मित्रों को चुप रहने को कहेंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया क्या मोदी मोहन भागवत से घर वापसी कार्यक्रम को रोकने के लिए कहेंगे। एक सेल्फी ने ली 3 छात्रों की जान। मथुरा के पास एक रेलवे ट्रैक पर 4 छात्रों को चलती ट्रेन के सामने सेल्फी क्लिक करना काफी महंगा पड़ा। इस स्टंट में 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। छात्र सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहते थे। घटना कोसी कला के पास मथुरा रेलवे ट्रैक की है और यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। इन चारों में से एक छात्र बच गया। उसने पुलिस को बताया कि चारों दोस्त ताजमहल देखने के लिए आगरा जा रहे थे। मरने वाले छात्रों की उम्र 20 से 22 साल के बीच थी। छाती में गेंद लगने से पाकिस्तानी क्रिकेटर की मौत। पाकिस्तान में क्रिकेट मैदान पर एक और दुखद घटना में 18 वर्षीय जीशान मोहम्मद की छाती में गेंद लगने के बाद मौत हो गई। औरंगी नगर के राजकीय अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि रविवार को क्लब मैच के दौरान क्रिकेट की गेंद लगने के बाद दिल का दौरा पड़ने से जीशान की मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टर समद के मुताबिक उसे अस्पताल लाया गया था लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली में ठंड और कोहरे का असर। राजधानी दिल्ली में आज ठंड और कोहरे का काफी असर रहा और कम दृश्यता के कारण ट्रेन का परिचालन भी प्रभावित हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया लेकिन बर्फीली हवा ने दिल्ली वासियों को कपा दिया। आज सुबह अच्छा खासा कोहरा रहा। सफदरजंग वेदशाला में सुबह 8:30 पर दृश्यता का स्तर 400 मीटर दर्ज किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।